नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज आपको बताएंगे कि जो भी कोल्ड ड्रिंक के रेट दोस्तों बढ़े हुए हैं, तो वही जानकारी आपको देंगे दोस्तों, कितनी एमआरपी किसकी बढ़ी है और कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक का रेट बढ़ा है। मेरे कुछ दुकानदार भाई कन्फ्यूज हैं कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक का रेट बढ़ा है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक का दोस्तों रेट नहीं बढ़ा है। तो मैं आप लोगों को पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ, सिर्फ दोस्तों 2 लीटर और जो है 1.25 लीटर वाली जो मज़ा आती है उसका रेट बढ़ा है, और 1.25 लीटर वाली जो आती है डिगो थम्सअप वगैरह उसका रेट बढ़ा है। बाकी दोस्तों छोटी कोल्ड ड्रिंक जितनी भी है 250 ml की या 500 ml या 750 ml या 1.25 लीटर, इन दोस्तों कोई भी कोल्ड ड्रिंक का रेट नहीं बढ़ा है। आपको कोई भी दुकानदार को एक पैसा फालतू नहीं देना है। तो दोस्तों आज मेरे पास 2-3 पेटी कोल्ड ड्रिंक है जो कि मैं लेकर आया हूँ। एक स्प्राइट है 2 लीटर में और एक माजा दोस्तों है 1.25 लीटर में, तो इसी का रेट बढ़ा है। तो मैं आपको यही दोस्तों जानकारी दूंगा आज के वीडियो में, कितना रेट बढ़ा है, कितनी इसकी MRP बढ़ के आ गई है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप के, ताकि आपको सही जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए और आप लोग जानकारी से अपडेट रहें। दोस्तों पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि मेरा चैनल कल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। मैंने 29 तारीख को अप्लाई किया था और कल दोस्तों मेरा चैनल शाम के टाइम 4:11 पर मोनेटाइज हो गया था। मेरे लिए यूट्यूब की तरफ से दोस्तों मेल भी आ गया था, साइड में आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को देखने के लिए लगा दिया है। ये सब दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो पाया है, जो कि आप लोगों ने इतना मेरे चैनल को सपोर्ट किया। सिर्फ दोस्तों मेरा 6 महीने में 22 टाइम और सब्सक्राइबर सारा कंप्लीट हो गया था। मैंने तो 29 तारीख को अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए और मेरा दोस्तों कल फाइनली जो है मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोग मेरा चैनल ऐसे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए अगर आपकी किराने की दुकान है, और आप लोग मेरे चैनल पर किराना संबंधी जानकारी दोस्तों लगातार मिलती रहेगी और आप लोग जानकारी से अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों आते हैं मेरे टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है कि कोल्ड ड्रिंक का रेट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कितनी इसकी MRP आ गई है। तो यही जानकारी आपको देने वाले हैं आज के वीडियो में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मेरे पास एक 2 लीटर में स्प्राइट है और एक 1.25 लीटर में माजा है और एक 1.25 लीटर में स्लाइस है। 3 पेटी दोस्तों मेरे पास है, तो इसमें से 2 पेटी का तो रेट बढ़ गया है, लेकिन स्लाइस का दोस्तों सेम रेट चल रहा है, वही रेट। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, कि जो कि 2 लीटर की आती है या 1.25 लीटर की आती है या 1.25 लीटर की आती है, इन्हीं कोल्ड ड्रिंक का रेट बढ़ा है। चाहे आपकी स्प्राइट हो, चाहे माजा हो, चाहे थम्सअप, चाहे ड्यू, मिरिंडा या लेमका, फंटा, कोई भी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक हो, 2 लीटर वाली के रेट बढ़े हैं, 1.25 लीटर वाले के बढ़े हैं। बाकी छोटे कोल्ड ड्रिंक के दोस्तों रेट नहीं बढ़े हैं। आपको कोई भी दुकानदार को एक भी पैसा फालतू नहीं देना है। जिस रेट में आपको कोल्ड ड्रिंक पहले मिलती थी, आपको वही रेट में मिलेगी दोस्तों। सिर्फ 2 लीटर वाली के आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी MRP भी बढ़ गई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको इसका रेट बताते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास 2 लीटर की जो स्प्राइट है, इसका रेट था पहले 650 रुपये पेटी का हमारे यहाँ, और इस समय दोस्तों इसका रेट हो गया 710 रुपये पूरी पेटी का। इसमें 9 बोतल निकलती हैं। तो दोस्तों पहले बोतल पड़ती थी 72 रुपये 22 पैसे की, अब इस समय पड़ रही है 78 रुपये 88 पैसे की। इसकी दोस्तों MRP पहले थी 90 रुपये, अब इस समय इसकी MRP हो गई 95 रुपये की। तो 5 रुपये का दोस्तों इस पर MRP भी बढ़ोतरी हुई है, और पेटी की बात करें तो पूरी पेटी पर 60 रुपये की दोस्तों बढ़ोतरी हो गई है पहले के मुकाबले अब, क्योंकि पहले इसका रेट था 650 रुपये, अब इसका रेट हो गया है 710 रुपये हमारे यहाँ। दोस्तों अब इस समय आपको बोतल पड़ेगी 78 रुपये 88 पैसे की, और पहले पड़ रही थी बोतल 72 रुपये 22 पैसे की। तो इतनी दोस्तों इस पर MRP बढ़ गई है, इतना इसका रेट बढ़ गया है। और दोस्तों अब बात करेंगे माजा की, जो कि 1.25 लीटर में है। इसकी दोस्तों पेटी मेरे लिए मिली है 750 रुपये की, इसमें भी 9 बोतल निकलती हैं, इसका भी रेट बढ़ गया है। ये आपको कितने रुपये की पड़ेगी, तो ये भी आप दोस्तों देख लीजिए। पहले इसकी MRP थी 95 रुपये की, अब इसकी MRP हो गई 99 रुपये की दोस्तों माजा की। इसमें 9 बोतल हैं पूरी पेटी में। पहले मैं इसको नहीं लेकर आया था, पहले मैं स्लाइस को लेकर आया था बड़ी वाली बोतल, लेकिन इस बार दोस्तों माजा को लेकर आया हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है स्लाइस से। तो इसकी MRP दोस्तों 4 रुपये की बढ़ी है एक बोतल की। इसके दोस्तों पेटी की रेट की बात करें, इस समय का रेट है जो 750 रुपये का है 9 बोतल का, तो 83 रुपये की बोतल आपको पड़ जाएगी दोस्तों। इसकी 99 रुपये MRP है, तो इस पर जो है मार्जिन दोस्तों अच्छा खासा हो रहा है इसमें, लेकिन आपको 99 रुपये की ही बोतल बेचनी है, तो आपको 16 रुपये की दोस्तों मार्जिन रहेगी एक बोतल पे 16 रुपये की। और स्प्राइट पे दोस्तों आपको जो है 95 रुपये की MRP है, और ये आपको पड़ रही है 78 रुपये 88 पैसे की। तो इस पर दोस्तों मार्जिन कम हो गया है पहले के मुकाबले। कई कई लोग दोस्तों 90 रुपये का भी सेल कर रहे हैं अभी इसको, और कहीं की 95 रुपये की भी बिक रही है। तो आपके यहाँ दोस्तों आप लोग उसको क्या रेट बेच रहे हैं स्प्राइट 2 लीटर वाली को, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बात करें दोस्तों स्लाइस की, जो कि 1.25 लीटर में है, आप लोगों को इसका भी रेट बताएंगे 1.25 लीटर वाली स्लाइस का।
तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना वीडियो को ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास है स्लैश 1.25 लीटर में, इसकी MRP आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसकी MRP 70 रुपये की है और इसकी पेटी में दोस्तों 12 बोतल निकलती हैं, 1.25 लीटर की बोतल है। और इसके अगर रेट की दोस्तों बात करें तो ये पेटी मेरे लिए मिली है 720 रुपये की, इसमें 12 बोतल हैं, तो 60 रुपये की आपको पड़ेगी एक बोतल और 70 रुपये इसकी MRP दोस्तों, 10 रुपये का आपको मार्जिन रहेगा एक बोतल पर। तो यही थी आज की जानकारी दोस्तों, आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।